नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार कॉमरेड आर्ट में। और आज हम बात करेंगे HP 245 G5 के मॉडल की, जो कि 20,000 का प्राइस है और काफ़ी डिमांड में है। 20,000 के प्राइस में होते हुए काफ़ी अच्छी फीचर्स के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं इस लैपटॉप के रिव्यू को। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी अपडेट आपको नए गैजेट्स की देता रहूँ हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप इस लैपटॉप को, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका बैक लुक है, पीछे लोगो डार्क ब्लैक, थोड़ा सा लाइट ब्लैक है ये लुक्स में। तो ये मतलब आम लैपटॉप की तरह ही आपको दिखेगा, लुक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है लैपटॉप में। हालांकि प्राइस का काफ़ी कम है, इसलिए ये चर्चे में है। और आप देख सकते हैं वही सेम फीचर जो HP देती है, लैन केबल, HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट्स, तो इसमें कोई कमी नहीं की गई है। तो दाम भले ही कम है इसका, अगले साइड आपको CD ड्राइव और एक USB पोर्ट भी जो मिलता है हमेशा HP देती है। तो इस लैपटॉप की और बात करते हैं, इसमें फीचर्स क्या क्या है। 4 GB का इसमें मेमोरी दिया गया है, रैम जिसको बोलते हैं आप। तो इसमें देखते हैं इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। देख सकते हैं ब्लैक कलर का मॉडल था ये, इसका साइज 14 इंच का है, तो ये थोड़ी सी छोटी है पर काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा छोटी नहीं है। आपको अच्छी लगेगी ये डिस्प्ले, और इसमें रेजोल्यूशन भी काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। और हालांकि ये लाइट वेट भी है, और आप देख सकते हैं इसमें प्रोसेसर जो है AMD का आपको मिलता है। इंटेल का अगर आप चाहते हैं तो इंटेल आपको नहीं मिलेगा, AMD का भी काफ़ी अच्छा होता है। A6 लेटेस्ट है, और प्रोसेसर स्पीड आप देख सकते हैं जो 2 GHz का तो आपको मिल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप लेना चाहते हैं लैपटॉप को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर AMD का है पर ये अच्छी है। और रैम जो मैंने बात की, 4 GB का रैम तो आपको मिल ही रहा है। और कंप्यूटर मेमोरी आपको DDR3 ये रैम की टाइप है, और हार्ड डिस्क 500 GB का मिल रहा है SATA पोर्ट के साथ, तो ये लगभग नॉर्मल लैपटॉप की तरह है। और ग्राफिक्स प्रोसेसर की बात करें तो रेडॉन का TMR4 ग्राफिक्स मिल जाता है, ये भी अच्छी है। जो हैवी गेम्स आपको पूरी नहीं उठा पाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये गेम्स मतलब आपको चला देगी, और हैवी सॉफ्टवेयर्स भी। और ये बाकी जो CD ड्राइव तो मिल ही रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें फ्री डॉस मिलता है आपको, मतलब इसमें अगर आप बात करें तो ये नहीं मिल पाएगा आपको, Windows 10 नहीं दे रही है, क्योंकि ये दाम कम के कारण आपको सिर्फ डॉस मिल रहा है। तो आप इसमें आराम से Windows 10 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपको बैक में मिल जाता है, अडैप्टर मिल जाता है, लैपटॉप यूज़र गाइड ये मिल देता ही है लैपटॉप के साथ, जो जनरली HP देती है। तो ये है इसका रिव्यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या और भी आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ भी हो दिक्कत तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले वीडियो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी डिटेल्स मैं आपको और अच्छी तरह से दे सकूँ कभी फ्यूचर में। धन्यवाद दोस्तों। तो ये रहा।